कल मैं एक रिंग पहनूंगा, 2 दिन के बाद एक रिंग पहनूंगा मैं चाहता हूँ कि ऐसी रिंग ले तू। हाँ मैं पक्का पक्का लूंगा हाँ मैं वो लाइव पे दिखाऊंगा लोगों को वो रिंग। मैं तो यार सड़क वाला फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई से बात कर लेता हूँ। अभी कितना टाइम हुआ रहेगा न्यूयॉर्क में? कुछ टू बस डेज और यार टू दिहाड़ी वेकेंड खत्म होने को आई है, आधा घंटा ही है। बाकी है। सही है पुलोनी भाई। बट थैंक यू सो मच हाँ पुलोनी भाई यार, फुल एंटरटेनमेंट अलग लेवल। मेरा ऑफिस में भी थोड़ा अपना रिसर्च वर्क रहता है, बट पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है आपका लाइफ देख के। बट एज अ मेडिसिन है, रात को और सुबह देखना जरूरी है। चलो अच्छा चलो भैया, तो अब तुम खुद जाओ, क्योंकि यहाँ यार पे दूसरे लोगों को ऐड कर रहा हूँ मैं। मुझे भी यार पक्का सुबह पक्का। से इतना टाइट बांध के रखा हुआ था भाई। जिसको ऐड होना है वो नीचे लिखो, बेइज्जती लिखो नीचे। हाँ ध्रुव शर्मा, ध्रुव शर्मा, ये ध्रुव शर्मा ने कि बहन के लौड़े इतनी बार बेइज्जती लिखता है फिर डिक्लाइन करता है। शिशुप सिंह, शिशुप सिंह, शिशुप सिंह आ जा। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। और शिशुप सिंह कहाँ से हो? मैं कुवैत से हूँ। अच्छा कुवैत से है तू, राजस्थान। और इंडिया में कहाँ से है तू? जयपुर। अच्छा जयपुर से। तो कितने सालों में कुवैत में है? 7 साल से अच्छा 7। तो क्या करता है कुवैत में? वो मैकेनिक। अच्छा मैकेनिक है कुवैत में। हाँ जी अच्छा, मतलब गराज बराज में जॉब, गराज बराज में यस लगा हुआ है। यस यस। अच्छा, तो कितनी दिहाड़ी बनती है तेरी रोज की? रोज की कौन मनने का बन जाता है 60,000 रुपये। मतलब के तेरा खाने पीने का खर्चा सब कुछ निकाल के 60,000 रुपीज बचा हाँ लेता है जो। यस और 7 साल से ये गर्मियों में पड़ा हुआ है तो। गर्मी किधर है, सर्दी भी है गर्मी भी है दोनों ही है। हाँ मतलब कुवैत में तो भाई गर्मी होती है ना, ठंड तो अब अभी ठंड बहुत है ना, गर्मी के टाइम में तो गर्मी ही पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ तो मतलब क्या सोच के तू कुवैत में, क्या सोच के तू कुवैत में आया? क्या तूने क्या फ्यूचर प्लानिंग ऐसी की थी जो तुझे कुवैत में जाना पड़ा? मगर देखना है बाहर कंट्री कैसा है, यही होगा। अच्छा बाहर कंट्री कैसा है वो देखना है तुझे, इसलिए कुवैत आ गया भाई। हाँ जी हाँ जी बाहर कंट्री तुझे देखनी होती तो तू ऑस्ट्रेलिया जाता, अमेरिका जाता भाई, बड़ी बड़ी कोई कंट्री देखने के लिए तू जाता। तू साले यहाँ पे बड़ी कुवैत में क्या देखने के लिए आया है? तू देखने के लिए नहीं आया है, तू यहाँ पे शेखों की गुलामी करने के लिए हाँ आया है ये बोल। साले जयपुर के बाजू के गांव से है तू, गरीब मजदूर, वहां पे तू अरे गांव के चौराहे पे पूरा दिन बैठा रहता था। तेरे दो चार दोस्तों ने तुझे बोला कि भाई चलो कुवैत में तुझे कहीं लगवा देंगे साले नल्ले, कुवैत में तू दिहाड़ी लगा दी हो, 40-50 हजार बना लेगा, इसलिए तू कुवैत में आ यार गया। और यहाँ पे आके तू बड़ी बड़ी बातें करेगा कि मैं घूमने के लिए आया हूँ? नहीं घूमने के लिए थोड़ी बोले, घूमने के लिए तो 3 महीना का वीजा होता है, वो सब मालूम है सबको। आजकल अनपढ़ कोई नहीं है ना। हाँ अच्छा, अनपढ़ तो तू है ही सब है। दिल्ली के अंदर तूने सही ठेला निकाला होगा, होता ना मोमोज का, तो भी तू 40-50 हजार कमा लेता महीने का। वो मोमोज वाले भी बात रोज के 500-600 कमाते हैं। अब उसमें तुझे कुवैत आने की कहाँ जरूरत थी रे? है ना। क्या सही है?
इधर रहने का और सही है ना, इधर इंडिया में डेली ड्यूटी नहीं जाए जा। अरे इधर ड्यूटी जाने के साले, लिए तेरे सही है ना। मालिक ने तुझे 2x4 की खोली दी होगी, वहां पे तू छोटे से प्राइमस के ऊपर खाना बनाता होगा, खुद की रोटी खुद बनाता होगा, खाना नहीं 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 खाकर। खाना पीना कंपनी का है ये, देखो सब तो जा रही वही है तो बोल मेरी। रहा हूँ, देखो भाई चला दिहाड़ी पे, देखो ये दिहाड़ी दिखा, दिहाड़ी दिखा अपनी, देखो भाई देखा, बोला ना 2x4 का कमरा, देख लो भाई अगर मैंने झूठ बोला है तो। 2-4 वहां का नहीं है, ये बड़ा बोध अरे साले, 2x4 के है। कमरे में वो कंपनी वाले तुमको 3 लोगों को वहां पे रखने थे, वहां पे तुम लोग रहते हो, एक बंदा मॉर्निंग में जाएगा भाई, एक बंदा दोपहर में जाएगा। ये भाई देख अभी नहीं मॉर्निंग में निकला है ना दिहाड़ी पे, कि अब दिहाड़ी खत्म करके आ रहे, तो नहीं देखो भाई कितने कितनी गंदी जिंदगी, देखो भाई इसकी, ये देगा। देखो, पूरा खेल रही है देखो भाई पूरा। गंदी जिंदगी, देखो इसकी गंदी जिंदगी, देखो हट साले भैंचोद, क्या ही है वो, देखो अंडरवेल बंडियर बाहर लटक रहे हैं भाई, ये साले, ये सब दिहाड़ी मजदूर है, देखो भाई इन लोगों की लाइफ ऐसी होती है, देख लो। सही है ना, ऐसा सही नहीं है क्या? अरे अपना कमरा तो दिखा, भाई देखो ये बंदा, ओ हो, देखो भाई अपना कमरा नहीं दिखाएगा अभी, भाई ये कमरा ही है। वो देख लो, भाई देख लो, मैंने बोला था ना 2-3 लोग साथ में ही रहते होंगे, नहीं तो ये दो बार नहीं चाय का, ये 2 बार चाय का कमरा नहीं है तो कितने के, तू तो ऐसा बात कर रहा है कि जैसे बड़े मैंसन में रह रहा है भाई तू तो। देख लो इसका रूम पार्टनर, ये दिया, ओ दिहाड़ी पे जा रहा है ना तू अभी, तो ऑफिस में देखो। जा अरे रहा अभी। देखो भाई ये बंदा दिहाड़ी से आया, अब इसका भाई जाएगा दिहाड़ी। जिंदगी है तुम्हारी अब भाई, इसका भाई है ना जो, इसका रूम पार्टनर, इसने खाना बना के रेडी रखा होगा कल रात का, अभी आया है, अभी ये खाना वाना खाएगा। खाना कंपनी का है, खाना पीना नहीं है। इधर देखो कोई सामान पड़ा है इधर, कोई खाने पीने का कुछ नहीं है नीचे। दूसरा और ये दूसरा मजदूर कहाँ से भाई, तू कहाँ से है दूसरे मजदूर, साला सर ये भी तेरे गांव का ही है क्या ये साला सर का है, जानते होगे आप। साला सर, मतलब कहाँ राजस्थान दिल्ली कहाँ, साला सर क्या है, बालाजी का मंदिर है ना साला सर में, पहले बालाजी की पूजा करता था, वैसे राजस्थान लाल में। लाल कपड़ा लेके आया था। अच्छा, तो इसकी भी इतनी दिहाड़ी बनती है, 60,000 रुपीस, यस 60,000 कमा लेते हैं। सारे घर पर शादी हो गई तेरी, शादी नहीं हुआ, शादी करके क्या करना है, शादी नहीं करना है। अरे तेरे अंदर तो बहुत ही खुशियों की नदियां बह रही है शादी करने के लिए, लेकिन कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, जब तेरे बापू को पूछता होगा वो लड़की वाले क्या करता है लौंडा, तो तेरा बापू ये थोड़ी बोलेगा कि वहां पे दिहाड़ी लगाता है और 60,000 कमाता है हमारा लौंडा। साले तुझे पता है 60,000 में आजकल इंडिया में कुछ नहीं आता है, पता है तुझे, क्यों नहीं आता है, सब अरे आता कॉलेज के लौंडे लवाड़े वीकेंड्स में जाते हैं ना क्लबों में, वहां पे जाके वो 40-50 हजार तो ऐसे ही लूड़ा देते हैं वहां क्लबों में। है, जिंदगी झंड हो जाती है वो लोगों का। जैसे तू तो बहुत प्रेसिडेंट का लड़का पड़ा हुआ है उधर, जैसे तेरी तो जिंदगी झंड नहीं हुई है। नहीं, मेरा नहीं हुआ ना, बाहर आ गया ना, अभी आपके पास आना है इधर अमेरिका। कितना अच्छा पैसा लगेगा? अमेरिका आएगा तू, यस, लो शेक इधर से कर आएगा, लेके भाई कुवैत सर, से, कुवैत से आएगा, 10 लाख रुपया लगेगा। भाई शेख चल्ली के सपने देख ले, समझा, शेख चल्ली भाई सपने देखने में क्या है, बेंचो बेड पे पड़े रहो और सपने देखते रहो। बेड पे क्या रहना है? तो सुनाइए। नहीं 60,000 जो तू कमाता है तो वो सारे के सारे बापू को भेज देता है तू, और क्या करना है, हमारे कौन से बीबी है? तेरा बापू तो भाई गांव में बहुत ही बड़े, मतलब के मूंछों के ऊपर ताव मारता होगा कि देखो हमारे लौंडे ने हमारे लिए 60,000 रुपीस भेजे हैं।
तेरा भाव तो भाई तेरी 60,000 के ऊपर ऐसे मूछो पे ताक मारता होगा। ये और बताइए साले, मतलब कि ये तेरे आसपास जितने भी रहते हैं वो सब दिहाड़ी वाले ही है? कोई राजस्थान से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई गुजरात नहीं, से नहीं, होगा, पंजाब है, गुजरात है, यूपी, सभी जगह से। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सबके सब दिहाड़ी। सुन मुझे, सुन मेरी बात सुन, सच बता भाई, जब तुम लोग फ्री टाइम में ये सारे तुम लोग इकट्ठे होते हो दोपहर में या रात को, जब तुम लोग साथ में बैठ के दारू बारू पीते हो, तो सच बता क्या बातें करते हो तुम लोग? दारू मिलता ही नहीं है ना कुवैत में, सऊदी में है ना दारू, आपको पता ही है। इधर अच्छा, दारू दारू किधर नहीं मिलती वहां पे? नहीं, दारू नहीं मिलता इधर कुवैत में, सऊदी में भी है ना, दुबई में मिलता है दारू तो। अरे चल, मतलब के कोई भी तुम सब लोग वहां पे रात को तुम लोग 4-5-6 लोग वहां एक रूम में बैठे पत्ते बत्ते खेलने के लिए, या चाहे किसी की रूम में तुम लोग जाके बैठे, तो तुम लोग क्या बातें क्या करते हो? बातें क्या करना है, अपना टाइम पास हो जाता है, अरे आज भोसड़ी खेल के लेते हैं। तुम ये बातें करते होगे कि क्या भाई क्या जिंदगी है हम लोगों की? देखो बेंचो, सुबह दिहाड़ी जिंदगी लगा के आए, अब यहाँ पे पत्ते जिंदगी खेल रहे, अभी खाना ठूसेंगे सो जाएंगे, सुबह फिर से नहीं जाएंगे दिहाड़ी। साला घर पे मकान हाँ टूटा हुआ है, बाप फोन करके बोल रहा है कि बेटा 60,000 से तो कुछ होता नहीं है, और ज्यादा भेज दो। वहां पे बीबी चिल्ला रही है कि बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, 60,000 बीबी में है ही आजकल नहीं तो स्कूल अपना बोल नहीं रहा है। यही सारी तुम लोग बातें अपना करते हो ना वहां पे बैठ के, एक दूसरे के दुख रोना, एक दूसरे के दुख रोना, एक गरीब दूसरे बीबी गरीब को अपना दुख सुना रहा है, यही बातें करते हो ना तुम लोग वहां पे बैठ के? सच बता। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हम तो नहीं, फिर क्या सोचते हो? यही मकान सोचते हो कि मकान शेख पहले लोगों की से कैसे बनाया मां हुआ चोद है, नहीं है? नहीं मकान बनाया हुआ है, क्या करना है, वो शादी एक बार करना नहीं है, 2-4 साल। अच्छा, अरे मतलब चल, तू तो बहुत ही साले, ये एल्यूमिनियम की चेन कौन पहनता है आज के जमाने में? देखो भाई, इसने 2 कौड़ी की एल्यूमिनियम की चेन पहन के रखी है, और उसको भी इसने बाहर रखा हुआ है। यहाँ पे तो मैंने मूर्ति गोल्ड डाला की हुआ है इतनी ना, चेने पहनी हुई है, मैं बाहर नहीं रखता हूँ। इसने एल्यूमिनियम की पतली चेन इसने बाहर रखी हुई है, सोचो। ये करनी बात है, मूर्ति है ना, मूर्ति डाला हुआ इसमें, देखो अरे लेकिन उसको मूर्ति अंदर डाला हुआ। रखते हैं, उसको अंदर रखते हैं, ये बाहर दिखाने के लिए क्यों रखी है भाई तूने? लोगों को दिखाने के लिए, किधर सबको पता है कि रह वो एल्यूमिनियम की चेन है तेरी। सकता है ये? अच्छा सुन, तो यस, ये वहां पे सेक्स वैक्स के लिए तुम लोग क्या करते हो? सच बताइयो। मिलता है ना तो 2-4 गंडवे तो हो गए ही हो गए तेरे आसपास में। नहीं अच्छा, गंडवे भी नहीं है वहां पे? अच्छा, लड़कियां ना, इधर लड़की है ना, अमेरिका की लड़की है। मतलब के क्या मतलब के लड़कियों को फोन करके बुला दे हो? नहीं, अमेरिका की लड़की है इधर, अमेरिका को राज है ना इधर कुवैत में। अरे लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जुदाई के लिए क्या करते हो, वो पूछ रहा हूँ मैं तुझे। कोतरी के प्राइवेट की बात से तू क्यों इतने लोगों के सामने मेरा मुंह खुलवा रहा है सुबह सुबह में इंडिया में? चुदाई की क्या व्यवस्था है वहां पे? चुदाई की क्या व्यवस्था है वो बता। बहुत कम मिलता है इधर, मिलता भी नहीं है ना, भाई देखो, ये लोग क्या करते हैं पता है? तो ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये लोग जैसे के मतलब के ये फ्लोर होता है ना, फ्लोर, ये फ्लोर के ऊपर ऐसे चूत की डिजाइन करते हैं, ठीक है? ऐसे चूत की डिजाइन करते हैं ये लोग फ्लोर के ऊपर ऐसे, फिर उसी चूत के ऊपर ये लोग सोचते हैं
इस उसी चूत के ऊपर, और फिर उसी चूत को चूत समझ के ये लोग है ना भाई निकाल देते हैं, ये करते हैं ये लोग। सच बताई, सच बताई, यही करते हो ना तुम लोग? नहीं यार ऐसा नहीं है, आप बता रहे हो जैसा नहीं है। चल भाई अब तू बोर कर रहा है भाई, मतलब के तेरे अंदर मतलब के जुनून मत लगा, पूछ रही कि इतनी बेइज्जती मैं कर रहा हूँ तेरी कब से, और तू वहां पे बैठ के दो कौड़ी की मुर्गा छाप तू बीड़ी पी रहा है, शर्म कर ले नल्ले साले चूत चूत के सिंबल बल। मैं भी बेंचो फ्लोर पे चूत कौन बनाता है भाई? जो कुछ भी। अरे यार नीचे लिखो बेइज्जती भाई, मैं टाइम बोल देता हूँ, टाइम ज्यादा यहाँ पे बाकी मत है भाई, 10 मिनट बाकी है, फटाफट नीचे लिखो बेइज्जती, 10 मिनट में मैं लाइव बंद कर दूंगा। पता नहीं बहन जो ऐसे ऐसी सोच मेरी कैसे मेरे दिमाग में भी आती है। द आसुदो आ गए। हाँ कैसे हो भाई? बस मैं ठीक हूँ। और भाई कहाँ से हो तुम? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में कहाँ रहते हो भाई? मैं राजकोट। और राजकोट में क्या, और तेरा नाम क्या है भाई, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। तूने तो आंसू दो लिखा है। हाँ वो शॉर्ट नेम लिखा है मैंने। अच्छा आशीष का आंसू दो हाँ 550। हाँ अच्छा अच्छा और क्या करता है भाई राजकोट में? मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, मतलब तू ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तू खुद करता है या तेरे बाप का है? नहीं, मैं करता हूँ खुद। वो गैस नहीं आता है, प्रोपेन प्रोपेन गैस नहीं आता है। तो कितनी ट्रक है तेरे पास? थैंक्स। मेरे पास 3 ट्रक है। अच्छा 3 ट्रक है तेरे पास? हाँ। अच्छा 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 तो प्रोपीन गैस की तो सप्लाई करता है तू? हाँ सप्लाई करता है। अच्छा 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 तो ये तुझे ये पता है कि प्रोपीन किस में यूज होता है? तुझे पता है कि प्रोपीन का यूज क्या होता है वो? हाँ वो सिरामिक नहीं होता है, मोरबी में है ना सिरामिक। हाँ हाँ उसी में यूज होता है ना टाइल्स बनाने में। अच्छा अच्छा चलो प्रोपीन का स्पेलिंग बोल के दिखाओ। PROPANE भाई ये बंदे ने नीचे स्पेलिंग बताओ, फिर से बताओ। PROPANE भाई इसने प्रोपीन का स्पेलिंग सही बताया। अच्छा तो ये तेरा मतलब ये राजकोट से उधर ही जाता है सामान? नहीं नहीं मेरा कंडला मुंद्रा है ना जो। हाँ हाँ कंडला मुंद्रा में IOCL है, HPCL है, वहां से लोड होता है। अच्छा 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 तो मतलब तू खुद ट्रक नहीं चलाता है, तेरे नीचे एक बंदे काम करते हैं? हाँ ड्राइवर है मेरा। अच्छा तो कितनी सैलरी देता है ड्राइवर को? मैं उसको 15,000 देता हूँ। राइट तो मतलब नीचे लोग ये लिख रहे हैं कि ये साला बड़वा ड्राइवर की औलाद है, और बड़ी भाई अपना घर दिखा, नीचे लोग लोगों को तेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अबे बड़वो मैं ड्राइवर की औलाद नहीं हूँ, देखो ये मेरा घर है, ड्राइवर के ऐसा घर नहीं होता है सालो, देखो। एक लिख रहा है कि ये मादरचोद के घर में फ्रिज भी नहीं होगा। भाई फ्रिज दिखा दे अपना यार, इनको एक बार दिखा दे अपनी औकात दिखा। अबे रुक जा मैं तुझे अपनी औकात दिखाता हूँ, रुक जा तू। दिखा दिखा इसकी बहन की चूत, इसकी बड़वा बोल रहा है कि फ्रीजर नहीं होगा। ये ले देख ले देख ले। ओ बहन चूत भोसड़ी वालों, 6-7 लाख का फ्रीजर है भाई, फ्रीजर खोल के दिखा इनकी बहन की चूत, खोल के दिखा। अबे रुक जा खोल के दिखाता हूँ, ये ले देख ले, ये सारे देख ले। ओहो भाई देख लो,
ये देख ले, ये मेरा पूरा घर है, देख ले ये। वो तुम्हारे माँ की चूत, तुम्हारी सालो तमीज में बोलो बिजनेसमैन आदमी है वो। भाई कार कौन सी है तेरे पास? मेरे पास वो स्विफ्ट कार है, भाई स्विफ्ट दिखा, अपनी स्विफ्ट दिखा, ये स्विफ्ट बहन के नहीं लोड़ो है अभी, मजदूर। वो पापा पापा लेके गए हैं अभी। 3 ट्रक है लेकिन घर में सिर्फ एक ही कार है। अरे एक ही कार तो बहुत है यार। प्रोडक्शन ये देखो मेरे, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, ये क्या है? ये पूरा बाहर का एरिया है मेरा। मतलब बाहर का एरिया? ये तो बाहर तेरे बाप की लुंगी बुंगी सूख रही है। जंगल में रहता है क्या तू? आसपास जंगल में नहीं सोसाइटी है फिर सोसाइटी सारे। जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये देख, अच्छा, हाँ तो ये बाइक तुम्हारा है? ये हाँ मेरा है, ये कौन सा है भी भाई? मेरा ये है, तो ये भी मेरा है। हाँ अच्छा, तो भाई ये तो 2 कौड़ी का बजाज प्लाटिना लग रहा है मुझे। मतलब कि ये तो बुलेट बुलेट टाइप लग नहीं रहा है वो। नहीं बुलेट नहीं है वो, शाइन शाइन है, शाइन तो शाइन और प्लाटिना में क्या फर्क है? प्लैटिना में तो बजाज का आता है, शाइन होंडा का आता है, फर्क तो होगा ही ना। अरे बात तो यही है ना कि दोनों दोनों के दोनों 2 कौड़ी के ही है। कौन सा भाई? तेरे पास हायबूजा हार्ली डेविसन है 20 ईयर ब्रो। तो मैं कहाँ इतना बड़ा बहुत बिजनेसमैन हूँ कि मेरे पास हायरबूजा होगा। अरे यार अभी तो तूने बोला कि 3 3 ट्रक है यार। तीन जो बंदा 3 ट्रक रख सकता है, मतलब 3 ट्रक मतलब 3 करोड़ रुपये। जो बंदे के हाँ पास 3 करोड़ रुपया वो बंदा यार हायबूजा भी रख सकता है, सब कुछ रख सकता है। नहीं ओ नहीं बहन नहीं के भाई, दौड़ो तुम साले, ये हरामी लोग इतनी गंदी गंदी कमेंट करते। बहन चोद बोल रहे कि इसके दांत देखो पनौड़ी भाई, बहन चोद खरगोश जैसे। भाई दांत दिखा आपने? भोसड़ी ये ले देख ले ले। के ये खरगोश जैसे थोड़ी दांत है। इतने हरामी लोग बैठे हैं सही नीचे। सुन बात बोले पनौड़ी भाई, साले तेरे को आना है कि नहीं धर्म के? यहाँ यहाँ नहीं आना है, गुजरात में नहीं आना है तेरे को। अच्छा गुजरात आऊंगा मैं, तेरी तेरी चप्पल ले खाने के लिए। हाँ अभी चप्पल क्यों मारूंगा मैं तुझे? तू मारेगा मुझे 5 मिनट में, रुक तो जा। क्यों मारूंगा मैं? मतलब भाई तूने बॉडी बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है। यू आर रियली गुड लुकिंग गाय। मतलब तेरी बॉडी बॉडी देख के मुझे अच्छा लगा। तूने अपने आप को बहुत ही मेंटेन रखा है। भाई देखो ये ट्रक, तूने अपने आप को बहुत ही मेंटेन रखा है भाई। मतलब के कतई मलुक लग रहा है तू भाई, मानना पड़ेगा। जिम बिम जाता है तू? मतलब तेरी बॉडी से लग रहा है कि जिम बिम जा रहा है तू। नहीं नहीं कहीं भी नहीं जाता हूँ, नेचुरल बॉडी है मेरी। अच्छा नेचुरल बॉडी है। नीचे लोग लिख रहे हैं कि बंदा जिम बिम करता होगा, ऐसा लिख रहा लग। भाई नहीं अपनी टी शर्ट नहीं भाई अपनी टी शर्ट उतार के जरा अपनी बॉडी थोड़ी दिखा दे, लोग नीचे डिमांड कर रहे हैं प्लीज। अरे ये टी देख शर्ट ले। उतार के बोला, ऐसा नहीं अरे बोला यार टी ऐसे। शर्ट का उतारूंगा। अरे नीचे लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, पागल है तू? लड़कियां तेरी तारीफ कर रही है नीचे कि इसको बोलो बॉडी दिखाए। वो तो सब करेंगी ना यार, ये देख ले यहाँ पे देख ले।
अरे मतलब ऐसे नहीं, फोन रख और अपनी टी शर्ट निकाल के ये ट्राइसेप और ये सारी चीजें दिखा, ये बोल रहे लोग। ये नहीं, उनका अभी यहाँ पे ऊपर आया हूँ ना। भाई ऊपर आए तो उसमें क्या यार, मैं खुद 50 बार नंगा आया हूँ लाइफ पे भाई। बॉडी बड़े बड़े ये बॉडी ले, बिल्डर जो होते हैं। ये देख भाई तू मुझे ये बता, बड़े बड़े हाँ बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो लोग अपनी टी हाँ शर्ट उतार के बॉडी नहीं दिखाते? हाँ तो वो तो दिखाते हैं ना, क्योंकि वो बॉडी करते हैं ना, जिम तो जाते फिर हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई यू आर इन रियली गुड शेप, तो तुझे दिखानी चाहिए साले अपनी अच्छी चीजें। तूने तेरा घर दिखाया अच्छा था, रुका तूने रुका फ्रिज दिखाया अच्छा था, सारी चीजें तूने दिखाई, अब तू बॉडी नहीं दिखाएगा? टी शर्ट उतार दे भाई, नीचे ये देख लोग। अरे ऐसे नहीं उतार दे पागल, शर्मा क्यों रहा है इतना? ये शर्मा तूने, कहाँ हूँ यार, अरे ऊपर यार, खड़ा हूँ यार, अरे इसीलिए। साले साले तूने अपनी बॉडी मतलब घर दिखाया, फ्रिज दिखाया, तूने बाइक दिखाई, वो एक्टिवा दिखाई मम्मी की। भाई देखो नीचे लोग लिख रहे हैं कि प्राउड ऑन दिस मैन। देख भाई लोग कितनी अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। भाई उतार दे टी शर्ट आज, अच्छे से दिखा अपनी बॉडी। रुक जा निकालता हूँ। साले गुजरातियों के डर रहा है, मैं यहाँ गुजरातियों के पूरा इंस्टाग्राम चला रहा हूँ और तू क्या बात है यार। भाई लड़कियां शर्मा रही है नीचे, देखो ये कृष्णा शर्मा गई। वो तो उसको कुछ काम अरे नहीं है इसलिए नहीं नहीं भाई, लड़की अभी अच्छी बॉडी है, लड़कियां शर्मा थी है यार। एक एक अंदाज भाई, देखो लोग नीचे कितनी कमेंट कर रहे हैं अच्छी अच्छी अब 4 दिन बाद उतारेगा मेरे भाई? नहीं, अभी नहीं उतारता हूँ यार। अरे पागल है, मैं उतार के दिखाऊं? ये मेरा स्वेट शर्ट उतार दूं मैं तेरे सामने अभी के अभी उतार दूंगा मैं, उसमें क्या है यार? वो बालियन तो भयंकर लोड़ा हर रोज नंगा होके लाइव पे आता है, कौन कौन आता है? हाँ वो आदित्य बालियन को जानता है ना तू? तो हाँ जानता हूँ। हर रोज उसको तो लोग बोलते हैं कि टी शर्ट उतार दो, वो भोसड़ी का टी शर्ट उतार देता है। हेलो पनोड़ी भाई, और कैसे हो? बस बढ़िया हूँ भाई साहब। और तुम क्या चाचा हो उसके? अरे पापा उसका अच्छा तुम मेरी लाइव देखते हो? हर दिन हर रात को। भाई अभी तो तुम्हारे लड़के ने झूठ बोला, बोल रहा है कि हाँ तुम गाड़ी लेके बाहर मतलब गए हो। लाइव लाइव कम देखता हूँ, वो तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं यूट्यूब में आता है ना, हाँ वो देखता रहता हूँ। भाई देखो दोनों बाप बेटे कितने मलू क्या है। भाई मैं चाहता हूँ कि पापा जी आप भी शर्ट उतार दो, बेटा जी आप भी टी शर्ट उतार दो और बॉडी दिखा दो आज। सुनिए भाई साहब, हाँ अभी इस वक्त घर घर पे लेडीज है इसीलिए नहीं हाँ कर सकते, बाहर होते तो कर देते। और आप कहाँ धर्मज से हो ना, या है ना? मैं तुम्हारे गांव बहुत आया हूँ भाई साहब। अच्छा दर, चलो भाई बाय गुड बाय। गांव की बातें नहीं, ना यहाँ पे पर्सनल बातें मत ठीक है, खोलो। पर्सनल बातें खोलने वाला था वो, मेरे गांव बहुत टाइम जा चुका था। तो बाप बेटे को मैं लाइव पे लूंगा और मतलब बहुत ही अच्छे थे बाप बेटे दोनों, बहुत ही मजा आया। अभी कन्वर्जेशन लंबी चलती लेकिन मेरे गांव का नाम लिया ना तो मेरी गांड फट जाती है अभी। 10 बजने को आ रहे हैं यहाँ पे और मैं यहाँ से अब विदा लेना चाहता हूँ। ये कृष्णा की शर्मा रही है कब से? ये कृष्णा क्यों शर्मा रही है इतनी? आ जा कृष्णा। कृष्णा आ जा, इतना मत शर्मा। भाई बताओ, बाप सलमान खान बेटा था वो जॉन अब्राहम। अब भी बाप बेटे भाई दोनों कपड़े उतार देते अपने, मजा आ जाता। लेकिन वो बंदे ने बात ऐसी छेड़ दी, वो मेरे गांव में जाके लोगों को दिखा था कि देखो तुम्हारे पनौड़ी भैया के साथ तो मैं लाइव आया था। ये ऐड क्यों नहीं हो रहा? चलो भाई ये ऐड नहीं हो रहा, इसको हटाओ।
भाई ये कौन है। चलो भाई तो अब मैं लाइव को वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 o'clock हो चुके हैं एंड मेरी दिहाड़ी खत्म हो चुकी है आज की, तो अब मैं घर पे जाऊंगा। आज तो जल्दी घर पे जाऊंगा। चन्नो आज रात को तो मेरी फैमिली आने वाली है ना, 22 हो गई आज। ये कपिल भाटी भाई, ये लास्ट बंदे को ले रहा हूं, अगर आएगा तो ठीक है वरना लाइव बंद। कपिल बाची आजा। आ गया भाई। राम राम। और कहां से हो भाई? राम राम। राम राम भाई, कहां से हो? जोधपुर राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी एक जयपुर का बंदा आया था। अच्छा यूं क्या, क्या बोला? अरे वही दिहाड़ी बिहाड़ी लगा रहा था कुवैत में। अबे दिहाड़ी कुवैत में लगाने जाने पड़ेगा? यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा है राजस्थान में, यहाँ पे काम क्यों नहीं करता है वो? अच्छा अच्छा, तो हाँ वो तो दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास बहुत काम है। कहाँ से हो तुम? सॉरी, क्या करते क्या हो तुम भाई? अपना 3 बिजनेस है। 3 बिजनेस है तेरे? हाँ भाई, उम्र से आपसे छोटा हूँ। अच्छा अच्छा, किस चीज के बिजनेस है भाई साहब आपके? अपनी दुकान है भाई, 7 दुकान है अपनी। किस चीज की? किराए पे गोल्ड स्मिथ सोनारों की दुकान है, चांदी गलाई सोना सजाई। और तुमने वो सारी दुकानें किराए पे दे रखी है? हाँ, वो एग्रीमेंट पापा से हो रखा था, वो पहले से हो रखा था। अभी क्वारंटाइन में मेरे पापा की डेथ हो गई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, तो कितना किराया आ जाता है तुम्हारा महीने का? अभी 7 है तो मतलब 60+ है, 60+। अच्छा, जो अपन लेते हैं ना वो पेडी पेडी समझ, तो पेडी। हाँ हाँ, एडवांस मनी समझ गया मैं। हाँ, अच्छा, वो अच्छा। लेते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई साहब बुरा मत लगाना भाई साहब, लेकिन तुम्हारे घर का जो तुम्हारे घर की हालत है, जो 2 कौड़ी के खटिया में तुम पड़े हुए हो, वहां से हमें लगता नहीं है कि तुम 65,000 रुपीज कमाते होगे। और तुम्हारी आंखों के नीचे जो काले कलर के सर्कल पड़े हुए है, वहां से आप मुझे मुठल लग रहे हो, और आप कहीं पे दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर लग रहे हो, तो भाई साहब इतना झूठ क्यों बोल रहे हो आप सुबह सुबह में बताओ? पहली बात तो पनुड़ भाई आपको बता दो, मैं मेरे घर पे नहीं हूँ। तो मैं, हाँ मेरी बात सुन लो, मैं बाड़मेर, वो बाड़मेर जानते हो राजस्थान का एरिया बाड़मेर? हाँ, तो मैं जानता हूँ, मेरे घर पे नहीं अभी कल लाइव पे। हाँ, तो वो बाड़मेर हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। और रही बात आंखों की, तो यार देखो अब उसमें तो क्या करूँ, रात को आपके लाइव देखता हूँ तो आंखें काली हो जाती है। इसमें क्या हो गया? मतलब ये बाड़मेर में तुम क्या करने आए हो? नहीं, बाड़मेर एक लकड़ मार्केट है, लकड़ मार्केट। तो लकड़ मार्केट में हमारा भी वो थोड़ा सा है भाई, हमारे रिश्तेदार जो होते हैं ना, हमारे रिलेशन वाले। हाँ हाँ, तो वहां पे आया था कोई थोड़ा छोटा मोटा मुंडन, मुंडन का फंक्शन समझते हो? मुंडन का बाल जो गिराते हैं, बच्चा पैदा होता है ना मुंडन का। मैंने तो आज तक नीचे का ही मुंडन किया है। वो अच्छी बात है भाई यार, अपन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही उस चक्कर में आए थे हम लोग, आए थे यहाँ पे, और अभी वो रूम मिल गया तो ठीक है, आराम से बैठे और घर में मिला और क्या। अच्छा 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 अच्छा। और दूसरी बात करना चाहता हूँ भाई, आपका फैन हूँ। हाँ वो तो सही बात है। चलो भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, फिर मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि फिर मैं लाइव चलाने लगता हूँ, एक 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 करके आते ही रहेंगे लोग, ठीक है? तो चलो भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है एक। हाँ, आप अगर फॉलो या मैं फॉलो करता हूँ आपको, ऑलरेडी करता हूँ, कभी टेंशन करता हूँ, आप भी कर दोगे तो थोड़ा वो कनेक्शन बना रहेगा, और कुछ नहीं है। हाँ, मैं लाइव से निकलने के बाद तुम्हें करूंगा, क्योंकि चालू लाइव में तो मैं कर नहीं सकता हूँ, आप रिमूव हो जाओगे। जय बोलेगी पनौड़ी भाई। जय बोलेगी। अरे वो आपका चुदान गंडिया गया भैया, क्यों क्या हुआ? वो गया
मेरे को फोन करता है, व्हाट्सएप पे कॉलता है कि मेरे को मेरी लाइव में आ। मैंने बोला तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे अपनी लाइव में बुलाएगा, मेरी औकात इतनी है कि मैं अपनी लाइव खुद चलाऊंगा। तो मैंने अपनी हाँ लाइव चलाई तो कपिल पुरी ऐड हुए भाई। कपिल पुरी ने हाँ भैया तो फिर फिर क्या हुआ? ऐड होने के बाद बोला भाई तू इसको गाली दी तूने स्टार्टिंग में। मैंने कहा नहीं, उसने बोला कि तेरी बहन माँ की चूत और मैं तेरे को गाली देता हूँ और तू अब आ मेरा एक दिल्ली में मिनट के लिए मैं चौबीस सॉरी मांग घंटे सकता हूँ? 2 मिनट सीखता रुक सकता हूँ क्या 1 मिनट के लिए? वो मैं पोनोडी भाई, एक एक्सक्यूज प्लीज। हेलो अरे तुम अभी तक गए नहीं हो? शर्म कर ले साले, तुझे बोला के चला जाए यहाँ से फिर भी। हाँ तुम बोलो। तो वो बोलता है कि भैया मैं नहीं आ सकूं, कपिल पुरी का सहारा लेना चाह रहा था भाई। कपिल पुरी से मैंने बोला भाई तेरा कोई मतलब नहीं है भैया, और मैं तुझे भाई मान रहा हूं, तो सही बात है, मेरा और इस चुदान का है, तो तू बीच में मत आ। मैंने सही बात है। बोला मैं आपको आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बोला मैं उनको भाई मानता हूँ, तो मैंने कहा मैं दुश्मन हूं तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दो तुम, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ कहाँ है। राइट तो भाई वो चुदान बोलता है कि भाई मैं अपने घर का एड्रेस देता हूँ, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं वहां मिलता हूँ, तो तुझे मेरे घर पे आना पड़ेगा मारने के लिए। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, 31 मार्च तक का टाइम है, उसके घर जाके उसे ठोकना है। अच्छा। वो अपना एड्रेस वेड्रेस तो देने ये के तो लिए भाई गलत तैयार, बात है ना, घर पे कौन बुलाता है भाई, घर पे कौन बुलाता है। बोल रहा तुझे मारना है ना तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो फिर ये चपिलपुरी ने क्या बोला, वो उनका सपोर्ट करेंगे चपिलपुरी? करने तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट भी कर रहे हैं तो। भैया अच्छा अच्छा चाय अच्छा होगी इसमें? इसमें चाय होगी, अभी मैंने चाय मंगाई है बाहर से, ये हाँ तो चलो भाई रात को अच्छा मिलेंगे हम लोग। सुनो मैं घर जा रहा हूँ अभी, फिर मुझे लेट हो जाएगा, तो आज पनौड़ी रात भाई का खेला होगा। हाँ बोलो बोलो। पनौड़ी भाई खेला मैं बताता हूँ, तलाक का होगा, तलाक का। मेरे पास एक चैट आई है उसमें तलाक का खेला है, तलाक आज रात का तलाक तलाक कि मेरा मतलब उससे ये रेखा और चुड़ान का तलाक होगा? नहीं, तलाक हुआ था जो बीच में, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, ये है वो है, उसकी थोड़ी सी मेरे पास चैट है, वो मैं चैट दिखाता हूँ। ये जो सभी सावित्री बन रही थी ना चुद्दो, उसको बता देना कि उसके मैंने प्रूफ ले रखे हैं, खेला कर देंगे बहन, जो पेल दूंगा इनको। है मेरे पास हाँ तो थोड़ी भाई रात को थोड़ी सी झलक देखनी हो तो मैं भी नहीं थोड़ी सी दिखा भी नहीं सकता नहीं हूँ। नहीं भाई वो सारी चीजें रात के लिए रखो, अभी तो बहुत कम व्यूअर्स है, पागल है तू? तो अरे नहीं ठीक है चलो ठीक भाई है, रात के खेले में मिलते हैं फिर से। आज लड़ाई होगी मोहित चुदान विस मोहित चौधरी, एंड गोली बोली चलने वाली है अभी आज रात को, तो मिलते हैं रात को खेले में, ठीक है? ओके भाई, चलो जय भाई, ठीक बोले है, ठीक, ओके, लव यू जय लव यू। भोले, लव यू। I don't have ice cream. चलो भाई अब मैं रख रहा हूँ, चलो बाय, गुड नाइट, अब घर जाऊंगा मैं।